पॉल्यूशन बहुत बड़ा एक कारण है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, बालों को यदि पोषण ना मिले प्रॉपर वो भी एक कारण बनता है, और आजकल मानसिक तनाव और एंजाइटी ये भी बालों के झड़ने का, बालों का कम होने का एक बहुत बड़ा कारण है। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम अभिषेक भट्टाचार्य है और मेरी एज 30 साल है और मुझे हेयर फॉल की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पिछले 6 महीनों से काफ़ी हेयर गिर रहे हैं और सामने से फोरहेड जो है वो काफ़ी बड़ा हो गया है, और मॉर्निंग में और इवनिंग में भी देखो तो कॉम करते वक्त काफ़ी हेयर फॉल होता है। तो आप थोड़ा मेरे को बताएंगे इसका क्या सोल्यूशन है और कैसे मैं इससे निजात पा सकता हूँ। देखिए, आपने पूछा है कि आपके बाल जो हैं वो कम हो रहे हैं, हेयर लॉस हो रहा है, उसके लिए क्या करें। हेयर लॉस हो, चाहे थिनिंग ऑफ हेयर्स हो, या फिर जो है समय से पहले बालों का सफ़ेद होना, युवा अवस्था में गंजापन होना और बालों की अनेक समस्याएं, इनका मुख्य कारण है लैक ऑफ प्रॉपर हेयर केयर, यानी कि बालों की देखभाल हमें करनी नहीं आती। बालों की देखभाल के नाम पर हम क्या करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स का प्रयोग करते हैं। बालों को सुंदर बनाने के लिए हम अनेक प्रकार के कलर्स लगाते हैं, जेल्स लगाते हैं, हाइलाइटर्स लगाते हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं हमारे बालों को कमज़ोर करती हैं। इसके अतिरिक्त पित्तवर्धक भोजन का सेवन करना, गर्म चीज़ों का सेवन करना, पित्तवर्धक लाइफस्टाइल जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी शरीर में पैदा होती है, जंक फूड का सेवन करना, या फिर जो है पॉल्यूशन बहुत बड़ा एक कारण है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, बालों को यदि पोषण ना मिले प्रॉपर वो भी एक कारण बनता है, और आजकल मानसिक तनाव और एंजाइटी ये भी बालों के झड़ने का, बालों का कम होने का एक बहुत बड़ा कारण है। तो क्या करना है, सॉल्यूशन इज़ वेरी सिंपल, स्विच ओवर टू आयुर्वेद। आयुर्वेद में क्या होता है कि आयुर्वेद में जब हम हेयर केयर करते हैं तो अनेक प्रकार की चीज़ों का प्रयोग हम करते हैं। हमारे यहाँ जीवा में जो है हमने हेयर के टॉनिक्स बनाए हैं, हेयर ऑयल्स बनाए हैं, हेयर के लिए शैम्पू बनाएं, कंडीशनर बनाएं और जेल वगैरह भी बनाएं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का प्रयोग करें। बालों को सुंदर बनाने के लिए सरल कुछ मैं आपको घरेलू उपाय भी बता रहा हूँ। एक तो आंवले का सेवन करिए, अगर ताज़ा आंवला मिलता है तो 2 आंवले रोज़ आपको खाने हैं। अदरवाइज़ तो आंवले की टेबलेट्स भी मिलती हैं, आंवले का पाउडर भी मिलता है, वो भी ले सकते हैं। बालों को धोने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्कैल्प बिल्कुल क्लीन रहनी चाहिए, कई बार वहाँ पर धूल मिट्टी कुछ जम जाती, तो नारियल का तेल उसमें थोड़ा नींबू का रस मिला करके उसको बालों में अच्छी तरह से रगड़िए, इससे आपकी स्कैल्प बिल्कुल क्लीन रहेगी। रीठा और शिकाकाई, इससे बाल धोएंगे तो बाल आपके सॉफ्ट एंड सिल्की भी बने रहेंगे। और फाइनली बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए, बालों में तेल लगाना चाहिए रेगुलरली। कोई भी तेल लगाइए, तिल का तेल लगाइए, सरसों का लगाइए, नारियल का लगाइए, या आजकल जो है भृंगराज ऑयल, आंवला ऑयल, ये बने बनाए तेल भी मिलते हैं। और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको ध्यान से सुनिए कि बाल क्यों आपके गिर रहे हैं, बाल क्यों ख़राब हो रहे हैं, उसका मूल कारण ज़रूर पता लगाना है, और उसके लिए आपको सेहत का नंबर डायल करना है, जीवा के डॉक्टर से बातचीत करके अपना एक प्रॉपर कंसल्टेशन करें, क्योंकि जीवा में हमने इस विषय पर बहुत काम किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें आयुर्वेदिक चिकित्सा से मिलते हैं, लेकिन चिकित्सा आपको पर्सनलाइज्ड मिलेगी हमारे डॉक्टर से बातचीत करने के बाद। आयुर्वेद से जुड़िए, सुंदर और घने बाल अपने बनाइए।